नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की। पीलीभीत में पिकअप लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी पहले भी ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दरअसल 16 सितंबर को पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सब्जी मंडी में से आरोपी एक पिकअप को बुक कराकर बरेली ले जाने के लिए ले गए थे। इस दौरान आरोपियों ने माधो टांडा से सामान लोड करने की बात कही थी। आरोप है कि रास्ते में 2 आरोपियों का तीसरा साथी मिला, उसने पिकअप को हाथ देकर रोक लिया और तमंचे के बल पर आरोपी पिकअप को लूट ले गए। आरोपी बदमाशों की तलाश करते हुए पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने अलीगढ़ के रहने वाले मुजम्मिल, हाथरस के रहने वाले नबी शेख और सलीम को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी गई पिकअप, 5,000 रुपए की नकदी व 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। ये 16 सितंबर को 3 अभियुक्त, जो कि 2 लोग एक बोलेरो पिकअप गाड़ी को सब्जी मंडी, जो कि थाना सुनगढ़ी क्षेत्र अंतर्गत पड़ती है, वहाँ से किराए पर ले गए थे, तथा इनका एक साथी जो माधोटांडा क्षेत्र में पहले से मौजूद था। जब ये दोनों उस बोलेरो पिकअप और ड्राइवर के साथ माधोटांडा पहुंचे, तो वो तीसरा जो अभियुक्त था, उसने गाड़ी रुकवाकर तमंचा दिखाकर ड्राइवर को वहां उतार दिया तथा उसके हाथ पैर बांधकर उसे वहां छोड़कर बोलेरो पिकअप गाड़ी लेकर भाग गए। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया। उन टीमों द्वारा बहुत अच्छा काम करते हुए 4 दिन के भीतर तीनों अभियुक्तों को 100% माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक बोलेरो पिकअप गाड़ी, 2 तमंचे, मोबाइल जो ड्राइवर का छीन के भागे थे, एवं कुछ कैश बरामद हुआ है। यह अभियुक्त पहले भी इस प्रकार की घटना कर चुके हैं। 3 माह पहले इन्होंने इसी प्रकार से पीलीभीत से एक बोलेरो पिकअप को छीन कर भाग गए थे, जो कि बुलंदशहर पुलिस को एक चेकिंग के दौरान प्राप्त हुआ। इसमें इनको गिरफ्तार कर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।